दिखाने चाह रहे हो कि यहाँ पे तुझा दोस्त यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहा, फोटोग्राफी कर रहे हो क्या क्या कर रहा, देखो। अच्छा हुआ था, हुआ क्या था, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसा बोल। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, ये मेरे को सिखा रहा है अभी कैसा फोटो खींचना है। फोटो कैसे सिखा, ये उसका मुंह देखो, ये लेना। हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कहीं कोई तकलीफ नहीं होती। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एपिसोड में फिर से आपको स्वागत करते हैं सब लोगों पर फ्रंट कैमरा में, देखते रहे बनते रहे और सतर्क भी, और हिमलोग ऊपर से लेकर नीचे तक नीचे लोग ऊपर देखते रहना, क्योंकि हिमलोग ब्लॉग हमेशा की तरह आप लोग तो पता नहीं बहुत बाउल होने वाला है। तो अभी बस गए गाइस, इवनिंग का सॉरी आफ्टरनून का अभी 2 बजने वाला, 1:30 हो गया, ठीक है। तो अभी अपने चारों फिर से क्लास में, क्योंकि मैं सुबह में लौट के आया था, सब रेस्ट किया और फिर से जाऊंगा क्लास पे, क्योंकि आज भी बहुत सारा काम है। तो फाइनली हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे ना, कल होने वाला है और ऊपर से बहुत सारा टेंशन भी है, पर खैर कोई बात नहीं, जो लाइफ में टेंशन नहीं आता कैसे भरेगा, है कि नहीं। तो हम लोग निकलते हैं अभी यहाँ सीधा यहीं से, और ऊपर से मेरा क्लास में बहुत सारा मेरे डांस में जो बचपन का जो मेरा डांस में होता ना, वो लोग भी वेट कर रहे हैं मेरे को आने के लिए, कॉल कर रहे हैं को तो करके। विदाउट डिले लेट्स गो, सीधा मिलते हैं सड़क में। लाइफ में ऐसा बादल कभी नहीं देखा यार, पूरा की पूरा ऐसा लग रहा है कि स्पेसशिप भी ऊपर का एलियन का, देख रहे हो ना कितना मस्त लग रहा है भाई, जिंदगी में ऐसे में कभी देखा नहीं मेरे। और आज का तो वेदर तो एकदम भयंकर है भाई, क्या बोलो सुजा बेटे, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन, यू आर फाइन, सो आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम गुड, आई एम फाइन, ओके ठीक है ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लास। और हमेशा मोहतरमा जो है ना इतना मेरा ध्यान दे देते है ना, हमेशा मेरा साथ देते है, कुछ भी करो हमेशा वो मेरे को साथ नहीं छोड़ता, जब भी जाओ जब भी कहीं भी जाओ मेरा साथ जाके मेरा साथ ही जाते, वो बंदी ये मेरा प्रॉपर बंदी है भाई, बहुत ही सच्ची बंदी है वो मेरा, समझ रहे हो, यही तो बात है। तो गाइस मैं एक चीज आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, ये देखने के बाद आप लोग को जो दिमाग देना पूरा होश हो जाएगा, देखो कितना सुंदर है, देखो ये चीज क्या है भाई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, आप लोग को इतना गंदा सोच है भाई। कोई बात नहीं यार, हम लोग पहुंचने वाला है मेरा घर, नहीं घर नहीं, मेरा सेकंड घर, आई मीन क्लास में, फाइनली गाइस मैं क्लास में पहुंच गया और आप लोग को दिखाने वाला हूं। तो गाइस अभी हम लोग जाने फिर से, जो हम लोग कल गया था जो टूबूस लेना बाकी है, अभी जाके लूंगा भाई, और कल तो हम लोग का प्रोग्राम है भाई, इतना एक्साइटेड, मतलब क्या ही बोले, और बंदा तो पूरा की पूरा टेंशन, मैं भी टेंशन, सबकी सब टेंशन, पर मजा तो आएगा रे, है कि नहीं गाइस। चलो अभी निकलते हैं सीधा टाउन पे, और जो सोच वो जो चीज लेने के लिए, चलो चलो बस चलना, जाते रहना यहाँ पे, कितना जाम है देखो गाइस, देख रहे हो ना, ओ एक्चुअली यहाँ पे जो रिसोर्ट है यहाँ पे कुछ कुछ चल रहा है भाई, कौन किसका साथी है या कौन मर गया मेरे को नहीं पता। फाइनली गाइस हम लोग का सामान पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया, अभी जा रहे हैं सीता बंगवा भवन में, जिना भी चीज आप लोग यहाँ पे चिपकाएगा, और एक चीज आप लोग को दिखाने वाला हूँ, देखो गाइस आप जो लोग भी आ गए फेसबुक में आप लोग अपलोड करने मिलेगा रे, और इतना सारा कमेंट, इतना सारा लाइक, 774 लाइक्स और शेयर 52, ओ माय गॉड, ये तो जिंदगी में होगा ही नहीं भाई, होगा ऐसा गाइस, मेरा तो होगा बहुत जगह, 2-3 महीना के बाद, सॉरी 2 इयर्स के बाद, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी बनने वाला है बहुत, दिखाने चाह रहा हूँ की यहाँ पे तुझा दोस्त यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहे, फोटोग्राफी कर रहे हो क्या क्या कर रहे, देखो कौन कौन है, देखो गाइस देख रहे, ये फोटोग्राफी है पता नहीं कहाँ का, मेरे को नहीं पता, ये मेरे को सिखा रहा है अभी कैसा फोटो खींचना है, फोटो कैसे सिखा, ये उसका मुंह देखो, ये इतना गंदा गाइस, अगर गंदा पसंद है भाई, वर्ल्ड का सबसे अगलीस्ट मतलब जो गंदा चीज होता है शकल, ये बंदा है, देखो देखो। तो ये रहा हम लोग का सौरभ एस, गिव योर बेस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन है हम लोग का, वाओ हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये रहा कौन है, तो गाइस कुछ नहीं है, बस हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे चिल आउट करें, और यहाँ का नजारा देखो, एक्सक्यूज़ी वाह ये क्या है, ओह माय गॉड, पाकिस्तानी है, उत्तर प्रदेश से। तो गाइस एक्चुअली ना हम लोग यहाँ आने का क्या मकसद है पता है,
जो हम लोग का जजेस है वो चला गया, और अभी फिलहाल तो पता नहीं वो लोग कहाँ चला गया। ठीक है, पता नहीं भागने गया होगा शायद कोई, पर एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अच्छा, हुआ था, मतलब हुआ क्या था, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, इतना बोलने का मतलब क्या हुआ है? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, रिजल्ट तो होगा ना। तूने जो बोला बात है क्या बात कुछ नहीं भाई, कैसे गया? बीमार वार तो नहीं है ना? पोलियो नहीं है ना तू? बहुत चलो गंदा सा कर रहे हो भाई। तो गाइस कोई बात नहीं, अभी हम लोग जाएंगे उस तरफ, क्योंकि हम लोग जजेस है, चला गया उस तरफ, पता नहीं कहाँ का घूमने जा रहा है। जाओगे? नहीं भाई। क्यों नहीं? क्योंकि मत बोलो। क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि बेबी को बस पसंद है भाई। बेस पसंद है, नॉन वेज हम लोग। बहुत बढ़िया मुन्ना। तो बाल नहीं खाली नंबर इधर प्लेट लगे का दी। वही तो मतलब बोलना क्या एक्शन में, बोल में क्या एक्शन में वो गाना गा रहे हैं। माय गॉड कितना गंदा पैर पार मार के जा रहे हैं भाई। ये फोटो वोटो खींचे का भी लौंडे लोग। ओ माय गॉड देख रहे हो ना, हम लोग जितना भी लौंडे यहाँ पे ना, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, और यहाँ पे फोटो खींचने गए। अल्लाह रे क्या लिख रहे थे, हमारी का 24 क्या क्या लिख रहे थे यार, कौन सा वाला पोज है मेरे को नहीं पता यार, पर सही है। सुबह एकदम टेंशन में। चलो यहाँ पे फोटो खींचेगा ना, चलो चलो चलो। हसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना। फोटो खींचे पर फोटो नहीं भाई, वीडियो मारो मैं। चलो यहाँ से निकल जाते भाई, लेट हो गया। और नजारा क्या चेक करो भाई, कितना मौसम सही है। चलो 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 चलो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज चैट कैप्टन स्पीकिंग फ्रॉम। चलो गाइस यहाँ से निकल जाते हैं, जसमें तो ऊपर चला गया, पता नहीं कहाँ का चला गया। तो गाइस ऊपर का तो नजारा चेक करो यार, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ फटा हुआ है। देखो पूरा बम फटा हुआ है, पूरा उस तरफ से लेके उस तरफ चले के उस तरफ, पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई न्यूक्लियर जो ब्रोम है ना वो पूरा फट गया। और सबसे क्या चीज़ पता है, आज का जो जिना भी हाईवे से लेके सब कुछ नजर आए ना, पूरा अलग ही है। मतलब क्या हो गया पता नहीं, इसका दूसरा है। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि कल तो बारिश होने वाला है। मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मेरा दोस्त प्रेम है ना, उसका हर प्रोग्राम में बारिश होता ही रहता है, पर परफेक्ट तो होता है और सक्सेसफुल तो होता है, पर सबसे मेन चीज़ बारिश। बारिश होने से ना मतलब फट जाते हैं कुछ भी काम, मतलब फट जाते पूरा। और आज का ये वेदर देने के बाद मुझे पूरा कंफर्म है कि आज बारिश होने वाला है, वो भी कंफर्म। कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं बोंगा पॉन को स्टेट को देखने के लिए, और क्योंकि ये वाला जो स्टेट है हम लोग का कल होगा, और यहाँ पे चल रहे बिया का कुछ फेस्टिवल या प्रोग्राम में मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, पर ये देखो गाइस ये वाला जो स्टेट देख रहे हैं ना वो हम लोग कल डांस करेगा, और पीछे बैक स्टेट में इसमें तो भयंकर क्राउड होगा भाई। अभी काम निकालने चाहते हैं बोंगा पॉन का, और कल से बस आके प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बैनर लगाना है, और जितना भी काम करना है कल करेगा, जो आज का जो काम है सबके खत्म हो गया। अभी जाके रूम पे जाओ, सॉरी रूम नहीं, आज घर नहीं जाएगा मैं, सीधा रहेगा क्लास में, और आज जितना भी काम निपटा लूंगा, पैसा का वगैरह है सब कुछ आज निपटाना पड़ेगा, क्योंकि इसी एक ही दिन बचा है हम लोग के पास। और ये मेरा मोहतरमा, ऊपर से बारिश भी हो रहा है भाई, माँ पानी में घुस गए रे, पूरा पानी भाई। चलो निकलते यहाँ से, यहाँ से क्योंकि टाइम नहीं है हम लोग के पास। हम लोग फाइनली हो गए कंप्लीट जितना भी काम करने, क्योंकि हम लोग सुबह के नहीं दिन से शुरुआत किया था हम लोग जितना भी काम है, क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह सब जितना भी कंटेस्टेंट का सॉन्ग सब रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आज कल करेगा तो क्योंकि अभी 12 बज गया। ठीक है, आज जितना भी हम लोग कंटेस्टेंट का सॉन्ग वगैरह सब मेंटेन करके हम लोग रख दिया, और अगर यकीन ना करोगे तो अभी बज गया 12:36। ओके, तो जितना भी काम है निपटा दिया, इतना हैक्टिक नहीं मतलब क्या ही बोले यार। और यहाँ पे टाइम लिखे, यहाँ पे जितना भी कंटेस्टेंट का नाम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंड देन यहाँ पे उन्होंने लैपटॉप में डाल दिया सॉन्ग को, क्योंकि हम लोग मोबाइल से नहीं बजाएगा। ठीक है, जितना भी चीज़ जितना भी सॉन्ग जितना भी कंटेस्टेंट का गाना है ना, सबके सब हम लोग प्ले लिस्ट में डालेगा और नाम रख के, और ये जो नाम रखने ना माथा खराब होगा पूरा की पूरा हैक्टिक है, पूरा एक ही लेवल का। तो हम दोनों ने नाम बोलते बना दिया हम लोग काम, और आज की जो थीन है सब की सब हो गया है, और हैक्टिव वाला भी चला गया, अभी पैसा गया, हमें सोचना है। पर खेल भाई मैंने आज तुम लोग को यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं ब्लॉग साहब लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग बहुत ही भयंकर होना, क्योंकि कल हम लोग का इवेंट है भाई, इवेंट ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाय बाय।
मुक्ता धवन कौन कौन था जो ब्रिज में ब्लॉक्स बनाया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं।